ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट से इस खेल में कई ऐसे खिलाड़ी आए हैं जो अपनी काबिलियत के साथ ही अपनी मानसिक दृढ़ता और जुझारूपन के लिए जाने जाते रहे हैं। एलन बॉर्डर, डीन जोन्स, स्टीव वॉ और माइकल बेवन जैसे बल्लेबाजों की इस लिस्ट में ऐसा ही एक नाम है, माइकल हसी। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज का इंटरनेशनल करियर काफी देर से शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही मौका मिला तो जबरदस्त शुरुआत हुई और नाम मिल गया मिस्टर क्रिकेट। हसी का जन्म 27 मई 1975 को वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ। हसी के इंटरनेशनल करियर की शुरुआत फरवरी 2004 में वनडे मैच से हुआ था, लेकिन इसके बाद अगले मैच के लिए उन्हें पूरे एक साल का इंतजार करना पड़ा। 2005 ही वो साल था जब हसी की बल्लेबाजी ने सबका ध्यान खींचा। माइकल बेवन के बाद बाएं हाथ का वैसा ही एक और बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया को मिल गया था तो टीम को मुश्किलों से निकालकर जीत दिलाने में लगा था। अक्सर छठे या सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए हसी ने अपने पहले ही साल में ऑस्ट्रेलिया के लिए कई मैच जीते। वेस्ट इंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज में टेस्ट डेब्यू किया। 30 साल से ज़्यादा की उम्र में टेस्ट डेब्यू करने वाले हसी ने अपनी ज़बरदस्त शुरुआत से खोए हुए वक्त की भरपाई करने की कोशिश की। उन्होंने अपने पहले 5 मैचों में 3 शतक जमाकर तहलका मचा दिया। हसी यूं तो टेस्ट और वनडे के बल्लेबाज थे, लेकिन T20 क्रिकेट में भी उन्होंने अपना जलवा दिखाया और इसका सबसे बड़ा नज़ारा दिखा था 2010 के T20 वर्ल्ड कप में। इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हसी की हैरतअंगेज पारी ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया और ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचाया। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 192 रनों की ज़रूरत थी और टीम ने 13वें ओवर में 105 रनों तक 5 विकेट गंवा दिए थे। 7वें नंबर पर आए हसी ने अंधाधुंध पारी खेलकर सबको चौंका दिया। आखिरी ओवर में जरूरी 18 रन के लिए हसी ने सईद अजमल पर 3 छक्के और 1 चौके समेत 22 रन ठोक कर टीम को जीत दिलाई। हसी ने सिर्फ 24 गेंदों में नाबाद 60 रन ठोके। हसी का MS धोनी से भी खास नाता रहा। इंडियन प्रीमियर लीग की 2008 में शुरुआत से ही हसी चेन्नई सुपर किंग्स के साथ थे। पहले सीजन में अपने डेब्यू मैच में हसी ने जबरदस्त शतक जमाया, हालांकि पहले 3 सीजन में उन्होंने सिर्फ 7 मैच खेले। फिर 2011 के सीजन में हसी की वापसी हुई और उन्होंने 492 रन बनाकर चेन्नई को लगातार दूसरे सीजन में चैंपियन बनाया। 2013 तक हसी चेन्नई के साथ रहे। अपने आखिरी सीजन में हसी ने सबसे ज़्यादा 733 रन बनाए, फिर भी उन्हें रिलीज कर दिया गया और मुंबई ने 2014 के सीजन के लिए उन्हें खरीदा। यहां हसी को ज़्यादा सफलता नहीं मिली। IPL से भी रिटायरमेंट के बाद हसी अब एक बार फिर धोनी के साथ है और चेन्नई के बल्लेबाजी कोच है। मिस्टर क्रिकेट का क्रिकेट करियर भले ही देरी से शुरू हुआ, लेकिन उन्होंने जीतने वक्त भी खेला अपनी पूरी निष्ठा से खेला। यही कारण है कि करीब 9 साल तक हसी का करियर बेहद शानदार रहा। 2013 में संन्यास लेने वाले हसी ने 79 टेस्ट मैचों में 51.52 की औसत से 6,235 रन बनाए, जिसमें 19 शतक और 29 अर्धशतक थे। वहीं 185 वनडे में हसी ने 3 शतक, 39 अर्धशतक और 48 की औसत से 5,442 रन बनाए। हसी ने 38 T20 मैच भी खेले और इसमें 4 अर्धशतकों की मदद से 721 रन बनाए। माइकल हसी ने अपने क्रिकेट करियर की जिस उम्र में शुरुआत की, उस उम्र में लोग क्रिकेट में मौके न मिले तो रिटायरमेंट की सोच लेते हैं, लेकिन हसी ने अपनी मेहनत से देर से मिले मौकों को हाथ से नहीं जाने दिया और ऑस्ट्रेलिया के महान खिलाड़ियों की सूची में अपना नाम दर्ज करवाया। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे।